सियासी बयानबाजी से अलग मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन के आदेश का असर दिखने लगा है और रेहड़ी वालों से लेकर ढाबा संचालक तक अब अपना नाम अपने प्रतिष्ठान के आगे लिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी ये साफ कर चुका है कि ये आदेश धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अप्रिय घटनाओं और विवादों को रोकने के लिए दिया गया। आपको बताते हैं मुजफ्फरनगर में पहले क्या हो रहा था। संगम होटल को सलीम खान चला रहा था। रुड़की रोड पर वेलकम होटल को हाजी मुर्तजा संचालित कर रहे थे। मेरठ के शुद्ध छोले भटूरे को महराज चला रखे थे और जायका रेस्टोरेंट को तंजीम इटालियन हट को नदीम चला रहा था। इनके अलावा नूर मार्केट में न्यू बाबा स्वीट्स को नौशाद, नीलम स्वीट्स अरशद अहमद, अनमोल फ्रूट यूनिक प्लाजा को जुबैर अहमद चला रहे थे। इसके अलावा नाइस कन्फेक्शनरी जो कि बझेड़ी रोड पर है उसे इसरार चला रहा था। गुडलक टी स्टॉल बझेड़ी रोड पर है उसे शमशाद चला रहा था। तो देख सकते हैं आप, कहने का भाव ये है कि पहले अलग अलग नामों के जरिए ढाबे टूरिस्ट रेस्टोरेंट टी स्टॉल खोले गए थे लेकिन अब आपको अपना नाम अपनी दुकान के आगे लिखना होगा, नाम अपना आपको सार्वजनिक करना होगा। तो इन तीन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आप किस तरह से नाम बदले जा रहे हैं। दिखाना चाहूंगा जिस तरह से ये दुकानें हैं, फल फ्रूट्स की दुकानें हैं। मोनू जूस कॉर्नर यहाँ लिखा हुआ है, जो प्रोप्राइटर के रूप में भूरा नाम लिखा हुआ है। लेकिन अभी कुछ नेताओं का ये भी सवाल है कि इस तरह से जब आइडेंटिटी की बात जब आती है तो जिसमें भूरा या छोटू या पप्पू इस तरह के अगर नाम होंगे उनके तो कैसे आइडेंटिटी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी का रियलिटी चेक करने के लिए मैं पहुँचा हूँ। मेरे सामने मैं बात करूँगा मोनू जूस कॉर्नर के मालिक से। कौन है मोनू जूस, क्या नाम है आपका पूरा? रैयान। क्या नाम है? रैयान। रैयान, रैयान जी आपने नाम रखा है मोनू जूस कॉर्नर, तो इससे कैसे पहचान हो पाएगी आज क्यों, चूंकि ये अभी प्रशासन की तरफ से लिखा गया है कि वोट देना होगा, अपना नाम लिखना होगा? जी हमने तो लिख दिया नाम भूरा जूस सेंटर। भूरा कौन है? पापा हैं जी। उनका पूरा नाम और क्या है भूरे के अलावा? भूरा ही कहते हैं। भूरा ही कहते हैं भूरा। सुनो उनके पिताजी का नाम है यूसुफ। यूसुफ नहीं, यूनुस। यूनुस है। तो पुलिस ने क्या कहा था आपको जो है बोर्ड लगाने के लिए, क्या आई थी पुलिस आपके पास? नहीं जी, पुलिस तो ही नहीं थी, बस के गए थे मैं कि बोर्ड लगा लियो, हमने बनने दे रखा बोर्ड। तो इससे आपको क्या लगता है जो कावड़ है, क्या पहली बार ऐसा हुआ है? हाँ जी पहली बार ही हुआ। अगर मुस्लिम दुकानदार हो तो अपना नाम स्पष्ट करे कि पता चल जाए कावड़ियों के मुस्लिम है। नहीं नहीं, उसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब धर्म हर उसके होते हैं, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। कावड़ है अपना, यो भी हमारा कावड़ का त्यौहार, यो कावड़ हो रमजान हो ये सब अपने त्यौहार। आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। आप बताइए आपका पूरा नाम क्या है? पप्पू है जी मेरा नाम। और आपके पिता का नाम? मतलूब। मतलूब, आप ये नाम लिखने के लिए किसने कहा आपको? प्रशासन ने। क्या क्या कहा? क्या लगा अपना नाम का बोर्ड लगाइए आप। तो इससे ये क्यों लगवाया होगा आप कुछ बता सकते हैं? नहीं जी हमें नहीं मालूम भाई साहब, जैसे उन्होंने कहा वैसे हमने लगा दिया। पहले भी कभी इस तरह की व्यवस्था लागू की गई? भाई हमने तो अभी चालू करा ठेला लगाना, हमें इससे पहले देखा भी नहीं किसी के ठेले पे। तो इससे क्या नुकसान होगा, आप इसे सही मानते हैं गलत मानते हैं? हमारा तो ऐसा है जी, कभी यहाँ लगा दिया, कभी मोहल्ले में बेच लिया, कभी कहीं बेच लिया। हमारा तो ये व्यवस्था तो सिर्फ कावड़ के यात्रा के दौरान लागू की गई है। कावड़ में तो हम लगाते ही नहीं जी, कावड़ में नहीं लगाते हम बिल्कुल भी। लेकिन प्रशासन ने कहा तो नाम लिख दिया जी। कावड़ रूट पर दुकानों की पहचान के आदेश से पहले मुजफ्फरनगर में क्या कुछ होता था ये जरा तस्वीरों के जरिए भी देख लीजिए। आपको इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि रुड़की रोड पर ढाबे का नाम संगम शुद्ध भोजनालय है लेकिन असल में इस ढाबे को चलाने वाला शख्स मुसलमान है जिसका नाम सलीम है। नया आदेश आने के बाद अब सलीम ने अपने ढाबे पर सलीम शुद्ध भोजनालय का बोर्ड लगा दिया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस के आदेश के बाद सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। हालांकि न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड रियलिटी चेक किया जिसमें लोगों का ये मानना है कि नाम लिखने में कोई हर्ज नहीं है, जिसको जहां से जो लेना है वो ले सकता है लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हरिद्वार में भी यूपी जैसा आदेश लागू हो गया है। कावड़ रूट पर दुकानों पर लिखना होगा नाम, दुकान मालिक और स्टाफ का नाम जरूरी होगा, दुकानदारों का वेरिफिकेशन भी यहां पर जरूरी होगा।
देखिए कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में जो होटल ढाबे हैं रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है उस चीज़ को हम लोगों के द्वारा ऐसा देखिए कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में जो होटल ढाबे हैं रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है उस चीज़ को हम लोगों के द्वारा ऐसा बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के रास्ते में खाने पीने की दुकानों को जो दुकानें आती हैं उन दुकानदारों को अपना नाम लिखने के आदेश का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ये कांवड़ यात्रा वालों को ध्यान में रखकर किया गया है, कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनी रहे इसके लिए आदेश लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रोजे के दिनों में भी तो कई जगहों पर सुविधाएं दी जाती हैं। उन्होंने ओवैसी एसटी हसन पर भी इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। पहले उत्तर प्रदेश ने एक आदेश जो है वो लागू किया कि कांवड़ यात्रा वाले मार्गों पर सभी दुकानदारों को खाने पीने वाली जो दुकान है उनको अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद ये आदेश जो है वो उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है। हाँ, उत्तराखंड में भी उसी पे ही लागू होगा जहाँ से कांवड़ सेवा जाती है और इसमें कोई अपराध भी नहीं है। हर धर्म को अपने पवित्रता बनाए रखने के लिए अपने व्रतों के दिनों में इन दिनों में आवश्यकता भी रहती है और सब लोग उसकी समाज की कहने इज्जत और सम्मान भी करते हैं, मुसलमान भी सम्मान करते हैं, सेवा भी करते हैं, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। खाली किसी धोखे के कारण किसी का व्रत खत्म ना हो, खराब ना हो, किसी धोखे के कारण उसको प्रायश्चित ना करना पड़े, ये सारी चीज़ें हैं। इस कारण से मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य है, दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं है, उनकी दुकानदारी वैसे ही चलने वाली है। पहले भी जब मुस्लिम शब्द कह रहे तो हिंदू की दुकान पर भी लिखने के लिए कहा गया है, मुसलमान तो दाढ़ी से भी देखा है तो उसकी भी दुकान खुली रहती थी पहले भी। तो मुझे लगता है जिनकी दुकानें चल रही हैं लेकिन जिनकी दुकानें बंद थी राजनीति करने वालों को, उन्होंने अपनी दुकानें खोलने का काम कर दिया है कि चलो आज हिंदू मुसलमान करते हैं, वही हो रहा है, बाकी सब अमन चैन है। और थोड़े समय के लिए क्या परेशानी है, रोजे आते हैं तो वो उस महीने में एहतियात बरतनी पड़ती है, नवरात्रे आते हैं तो 9 दिन में एहतियात बरतनी पड़ती है, जब रामलीला होती है तो उन दिनों में एहतियात, सब दिनों में एहतियात बरती जाती है, उसको अच्छे ढंग से स्वरूप से हो जाए इसलिए काम होता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था, उसके बाद कंफ्यूजन हुआ, लेकिन अब राज्य सरकार का आदेश आया उसके बाद एकदम साफ हो गया है कि ये फैसला कांवड़ियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया, लेकिन कुछ लोग जरूर इस पर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मुजफ्फरनगर प्रशासन का एक आदेश आया उसके बाद यूपी सरकार ने यह कहा है कि कांवड़ यात्रा के पूरे मार्ग पर इस आदेश को लागू किया जाएगा, जो आस्था की शुचिता है उसको ध्यान में रखते हुए। एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो दिशा निर्देश था वो सीमित एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश को लेके कई तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट हुए थे और कन्फ्यूजन भी हुआ, हाहाकार भी मचा और कुछ लोगों ने उस पर जो है वो कमदल तड़का भी लगाने की कोशिश की। मुझे इस बात की खुशी है कि राज्य सरकार ने इस पर स्पष्टता की है और साथ ही साथ जो है वो इस स्पष्टता के बाद ये जो निर्णय है ये कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा, शुचिता और उनकी श्रद्धा के सम्मान की दृष्टि से है और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर, आपने भी कल एक ट्वीट किया था उस फैसले को ध्यान में रखते हुए, कहीं ना कहीं वो आपको उस फैसले के खिलाफ वो ट्वीट देखा जा रहा था। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का कन्फ्यूजन हुआ हम अभी भी इस बात के पक्षधर है कि किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी समाज को स्वीकार नहीं है, लेकिन जो वो उसका जो एक मैसेज गया था वो मैसेज जो है वो उस सीमित दिशा निर्देश के कारण गया था, आज स्पष्ट हो गया। अब इस तरह के निर्णय के बाद कि जिसमें कि कांवड़ यात्रियों की श्रद्धा, कांवड़ यात्रियों की आस्था के सम्मान और सुरक्षा की बात हो,
तो इस पर किसी तरह का कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सर ओबीसी हों या एसटी हसन, वो कह रहे हैं कि इस तरह से नाम लिखकर आप मुसलमान दुकानदारों को बायकॉट करने की नसीहत दे रहे हैं। की आदत है कि सेकुलर शेरवानी में कम्युनल कारस्तानी करते हैं। अब इस तरह की सेकुलर शेरवानी के कम्युनल कारस्तानी वाले लोग इस तरह का माहौल खराब करके किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, मुल्क का तो कर ही रहे हैं, उस मजहब का भी कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने सरकार के फैसले को सही माना है। स्वागत योग्य कदम है और कदम के पीछे भावना लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्योहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश में अगर आप देखो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसको कहाँ से दुकान खरीद से सामान खरीदना है, जो जहाँ से चाहे वहाँ से वो सामान खरीद सकता है। अभी तक ये सामान्य प्रक्रिया आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखी होगी कि लोग अपनी दुकानों का नाम लिखते हैं और मैं समझता हूँ दुकान के नीचे लगभग 40-50% लोग अपने प्रोप्राइटर का नाम भी लिखते हैं। मैं समझता हूँ कि जो संविधान की व्यवस्था है उसमें धार्मिक आस्था का सम्मान और संरक्षण का जो भाव दिया है उसके अंतर्गत ये एक बेहतर प्रयत्न है संविधान के धार्मिक भावना के संरक्षण की भावना का। और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सरकार के इस फैसले को गलत बताया है। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तमाम बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव हों या असदुद्दीन ओवैसी, सभी इसकी खिलाफत कर रहे हैं। ओवैसी ने ये बात तक कही इसको लेकर के कि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये हिटलर की आत्मा आ गई है योगी जी के लिए। देखिए ये निश्चित तौर से गलत कार्य कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ लखनऊ के अंदर लोगों के घर तोड़े गए, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं और ये इस तरह से ये काम कर ही रहे हैं। अकबरनगर के जिस तरीके से किया इन्होंने, तो हिंदू मुसलमान सब लोग थे, मैं कल गया था मिलने, रो रहे थे लोग। तो जो व्यक्ति इस तरीके के क्रूर काम कर रहा है निश्चित मैं समझता हूँ वो आदमी बहुत ही निष्ठुर और बहुत ही मैं समझता हूँ कि समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। ढाबों पर नाम लिखने के मुद्दे पर बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि कड़ी व्यवस्था करना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की इस व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया। आदेश इसलिए दिया गया कि व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हों, चूंकि मुजफ्फरनगर सहारनपुर और ये इलाका बहुत हसास इलाका रहा है, तो सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखने के लिए और कहीं भी हिंदू मुस्लिम टकराव की स्थिति पैदा ना हो इसलिए पुलिस ने ये आदेश दिया है। मैं इस आदेश का समर्थन करता हूं। मेरठ के कांवड़ियों ने सीएम योगी की जय जयकार लगाकर सरकार के फैसले का स्वागत किया है। बजरंगी